हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं प्रकाश चक्रवर्ती स्काई फिटनेस दूर से तो आप सभी का आज फेवरेट आर्म्स वर्कआउट रूटीन लेके आ चुका हूं, जहां पे यार आपके 100% बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड फोर आर्म्स पे हम अच्छे से वर्क करेंगे। तो प्लीज आप सब एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से देखते हुए पूरे वर्कआउट को परफॉर्म करिएगा, ताकि आपके भी नेचुरल आर्म्स फास्ट ग्रो होने स्टार्ट हो जाए। और जितने भी नए भाई देख रहे, वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों तक भी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आर्म्स का वर्कआउट है, ये स्टार्ट होने वाला है बॉडी वेट ट्रेनिंग और डंबल के साथ। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, फर्स्ट आप यहाँ पे इस तरीके से चिन अप को परफॉर्म करेंगे, जो आप लोगों का 10 बार होगा। और कई भाई ऐसे जो बॉडी वेट लिफ्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए यार एक शॉर्टकट फंडा बता दे रहा हूं। बारबल को आप इस तरीके से रख लीजिए, और रखने के बाद यहां आप ऐसे पकड़ लीजिए, और इस तरीके से भी आप इस चिन अप को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, और जब तक आपके आर्म्स के पावर ग्रो नहीं होते, तब तक आप इस तरीके से करके इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो फर्स्ट 10 बार बॉडी वेट ट्रेनिंग होगा। जैसे ही बॉडी वेट ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके तुरंत बाद एक डंबल है, एक डंबल को आप पकड़ लीजिए, फर्स्ट आप इसे परफॉर्म करेंगे 10 बार। खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना खड़े होकर ही करना जरूरी है, या आप इस तरीके से भी ले सकते हैं 10 बार। जैसे ही आपका ये परफॉर्म हो जाएगा, फिर आप इसे बैठ के भी ले सकते हैं 10 बार, या फिर आप इसे खड़े होकर भी ले सकते हैं। तो यार ये दोनों जो बाइसेप्स का वर्कआउट है ना, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। बट जब आप ये तीनों को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करेंगे, तो 100% मसल माइंड कनेक्शन के साथ साथ आपके बाइसेप्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, और एक एक्सट्रीम लेवल का पंप महसूस होगा, क्योंकि तीन सेट है और तीनों ही आपको 10-10 बार परफॉर्म करने और एक साथ परफॉर्म करने। तो ये तीनों को आप जब एक साथ परफॉर्म करेंगे तब एक सेट होगा। ऐसे ही आप तीन सेट परफॉर्म कर लीजिएगा, जहां पे वेट आप सब अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। बस कोशिश करिएगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की, और थोड़ा हैवी वेट्स रहे कि आपको चैलेंजिंग लगे वेट आपका। इसके बाद ये ट्राइसेप का राउंड है, तो यहां भी आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग और डंबल एक साथ परफॉर्म करना है। अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोग परफॉर्म कर सके और आपको समझ आए। तो यार यहाँ मैं बेंच में इस तरीके से अपने हाथ को रख लूंगा, क्योंकि यार ये थोड़ा इजी फॉर्मेट है, जमीन में अक्सर परफॉर्म नहीं कर पाते कई भाई, तो उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा इस तरीके से वो बेंच में अपना हाथ रख के इस ट्राइसेप्स को परफॉर्म करे, जो कि 10 बार होगा। और जैसे ही आप 10 बार इसे परफॉर्म करेंगे, यहीं पर आप फिर ये डंबल को पकड़ लेंगे, और डंबल को पकड़ के सिंगल हैंड ट्राइसेप्स ऐसे पीछे मारिएगा, हल्का सा ऊपर लाइएगा, पूरा ऊपर मत लाइएगा, ये तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आप पूरा पीछे ले गए और इतना लेके आए, ये पूरा पीछे ले गए, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे डंबल को, तो और अच्छे से अफेक्ट पड़ेगा कि ये ट्राइसेप भी टारगेट हो जाए। तो आप इसे भी 10 बार परफॉर्म कर लेंगे, और जैसे ही आपका ये 10 बार हो जाएगा, फिर आप यहाँ फ्लैट बेंच पे 2 डंबल को पकड़ लेंगे, और 2 डंबल को पकड़ के इस तरीके से पूरा नीचे लेके जाएंगे एंड अप। ये पूरा नीचे लेके गए और अप, ये पूरा नीचे लेके गए एंड अप, ये पूरा नीचे लेके गए एंड अप। यार ज्यादातर आपका जो बाइसेप्स या आर्म्स बोला जाए, ट्राइसेप्स के कारण छोटा दिखता है, और ये जो ट्राइसेप्स है इसे टारगेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड वाला आपको ये वाला ट्राइसेप दिया मैंने। तो आप सब अच्छे से परफॉर्म करिएगा, और यहाँ भी आप लोगों को ये तीनों वर्कआउट को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना है, और तीनों ही आपके 10-10 बार होंगे। पुशअप 10 बार, फिर सिंगल हैंड आर्म्स के जो ट्राइसेप्स का जो ये है इसे ले लेंगे 10 बार, और उसके बाद फिर ये वाला ट्राइसेप्स को 10 बार ले लेंगे। ऐसी करेंगे तीनों को एक साथ, तब एक सेट होगा। ऐसी तीन सेट परफॉर्म कर लीजिएगा, जहां पे आपको बहुत ज्यादा हैवी वेट्स पे नहीं जाना है। कोई भी एक वेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे 5 किलो, 7.5 किलो, बिगनर 2.5 किलो, 5 किलो, जूनियर और इंटरमीडिएट 5 से 7.5 किलो। ज्यादा हैवी पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। एक तो आप पुशअप करेंगे, पुशअप के तुरंत बाद फिर इसे करेंगे, इसके बाद फिर ये करेंगे, तो जब तीनों को एक साथ आप परफॉर्म करेंगे, तो ऑलरेडी आपके ट्राइसेप बहुत जबरदस्त तरीके से फुलर हो जाएंगे और पंप भी हो जाएंगे, ताकि आपको रिजल्ट देखने मिल पाए। और हाँ, वेट को हैवी मत करिएगा। इसके बाद
तो ये वाला जो राउंड है प्लीज आप सब अच्छे से देखिएगा, यहाँ बारबल एंड डंबल दोनों को हम एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करेंगे ताकि और एक्सट्रीम रिजल्ट हमारे बाइसेप्स पे हम ला पाए। और ये बाइसेप्स पे अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो पोजिंग को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है, पोजिंग भी अच्छे से करिए क्योंकि ये भी एक तरीके का वर्कआउट है और ये आपके मसल्स को और अच्छा शार्प करता है और अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाता है, इसलिए पोजिंग भी करते रहिएगा। मैं तो अभी आपको दिखा रहा हूँ तो आप अच्छे से देख के इसे परफॉर्म करिएगा। फर्स्ट आप बारबल को ले लेंगे और बारबल को आप स्लो मूवमेंट में, एकदम हैवी नहीं लेना है और नॉर्मल वेट रखना है आप लोगों को जो चैलेंजिंग हो, बट जो आपकी स्पीड है वो स्लो रहनी चाहिए, तब जाके एक जबरदस्त तरीके से आपके बाइसेप्स को आप टारगेट कर पाओगे। और ये आपका होगा 8 बार और जैसे ही आपने इसे 8 बार परफॉर्म कर लिया फिर आप यहां डंबल पे आ जाएंगे, दोनों डंबल को ले लेंगे और दोनों डंबल को लेने के बाद आप फर्स्ट इस तरीके से इसे आप ले लेंगे 10 बार और जैसे ही आपका ये 10 बार हो जाएगा फिर आप यहां पे हैमर इस तरीके से 10 बार परफॉर्म कर लेंगे। तो यहां भी आपको ये तीनों वर्कआउट को एक साथ ऐड करते हुए परफॉर्म करना है, जहां पहले बारबल होगा फिर ये सिंगल हैंड डंबल होगा और फिर ये हैमर होगा। और यहां भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, पहले राउंड में अगर मान लीजिए 2.5 किलो तो सेकंड में 5, थर्ड में 7.5 कर लिए, ये एक अंदाज वेट है भाई, वेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। बट पहले बारबल करेंगे फिर डंबल करेंगे दोनों राउंड तब एक सेट होगा, ऐसी 3 सेट परफॉर्म कर लीजिएगा। उसके बाद जो एक्सट्रीम लेवल का आपका बाइसेप्स पंप होगा ना आप इमेजिन नहीं कर सकते, पोस्ट करके देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट भी करिएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे, हमारा एक तरीके से लास्ट राउंड है जहां पे हम बॉडी वेट ट्रेनिंग और मशीन का यूज करते हुए वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। मगर आप सबको अभी से ही बताना चाहूंगा कि यार आप पूरे आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं तो ये तो लास्ट राउंड है, बट लास्ट राउंड के बाद हम फोर आर्म्स के लिए कुछ स्टेप्स रखेंगे जो चाहे तो आप अटेंड कर सकते हैं, वरना नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। फर्स्ट आप क्या परफॉर्म करेंगे यहाँ पे बॉडी वेट ट्रेनिंग में, ये वाला ट्राइसेप्स पुशअप परफॉर्म कर लेंगे जो आप लोगों का इस तरीके से होगा और ये आप 10 बार करेंगे। और जैसे ही आपका ये ट्राइसेप्स पुशअप हो जाएगा फिर आप मशीन की तरफ आएंगे और मशीन में आप, यहाँ वेट थोड़ा ज्यादा लगा हुआ है कम कर लेता हूँ क्योंकि आज मेरा यार बाइसेप्स डे है नहीं, चेस्ट वर्कआउट था, उसके बाद आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ वीडियो। तो फर्स्ट हम इस बाइसेप्स को परफॉर्म करेंगे जो यार सबसे इफेक्टिव बाइसेप्स वर्कआउट है, तो इसे आप ले लेंगे 5 बार और जैसे ही आपका ये 5 बार हो जाएगा फिर आप यहीं पे प्रेस करेंगे और इस तरीके से इसे भी 5 बार आप परफॉर्म कर लेंगे और जैसे आपका ये 5 बार होगा फिर आप टोटली ये जो मशीन के केबल्स है इनको ऐसे पकड़ लेंगे और इस तरीके से क्रॉस करते हुए 10 बार परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका ये 10 बार हो जाएगा फिर आप यहाँ पे सेम इसे 5 बार परफॉर्म करेंगे और जैसे ही ये 5 बार हो जाएगा फिर आप इसे 10 बार परफॉर्म कर लेंगे, फिर आप इसे 5 बार परफॉर्म करेंगे एंड लास्ट में इसे आप 5 बार करेंगे। तो ये भी आप लोगों का 15 बार है, बट सबको मैं एक साथ ऐड करके आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट इसलिए गया कि यार आप अपने मसल माइंड कनेक्शन को बहुत अच्छे से एक्टिव कर पाएंगे, क्योंकि जब आप 3 वर्कआउट को एक साथ ऐड करते हैं और 15 बार परफॉर्म करना है तो उसमें आप लोगों को एकदम रिमाइंड रहना चाहिए कि आपको उसे परफॉर्म कैसे करना है। जैसे कि मैंने इसे आपको पहले बताया 5 बार लिए, फिर आपने इसे 5 बार लिया, फिर इसे आपने 10 बार लिया, फिर आप कंफ्यूज होकर कहीं ये ना लें, फिर आप इसी को 5 बार लेंगे, फिर आप इसे 10 बार लेंगे, तो 15 बार हुआ, तो 15 बार है, बट एक पुशअप है और उसके बाद ये तीनों मशीन को एक साथ परफॉर्म करेंगे, 15 बार है।
मतलब मान लीजिए ये भी 15 बार है, ये भी 15 बार है, ये भी 15 बार है, बस थोड़ा सा यार मसल माइंड कनेक्शन को और अच्छे से एक्टिव कर सको, इसलिए इस तरीके से आप लोगों के लिए इस फॉर्मेट को लेके आया। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो 15 15 बार भी करेंगे तो भी अच्छा इफेक्ट ही दिखेगा, बट अगर ऐसे क्रॉस करके चेंजिंग करके परफॉर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपका मसल माइंड कनेक्शन एक्टिव हो पाएगा। इसके बाद हम सिर्फ एक 4 आर्म्स के 2 या 3 वेरिएशन को ऐड कर लेते, वैसे वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, बट यार जब आप आर्म्स ट्रेन कर रहे हो तो 4 आर्म्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यार 4 आर्म्स का ज़्यादातर यार एफेक्टेड वर्कआउट जो होता है वो आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग परफॉर्म कर सके। फर्स्ट में आप इस तरीके से डंबल को परफॉर्म कर लेंगे जो आपका 10 बार होगा, और जैसे ही आपका ये 10 बार हो जाएगा फिर आप यहीं पे टिका के डंबल को इस तरीके से इसे भी 10 बार परफॉर्म कर लेंगे, और जैसे ही आप लोगों का ये दोनों हो जाएगा ना तो आप इसे रख दीजिएगा। ये मैं 3 चीज़ें एक साथ ऐड करके परफॉर्म कराता हूँ ताकि यार मसल बहुत अच्छे से टारगेट हो सके और मसल माइंड कनेक्शन भी अच्छा आप लोगों का हो सके, जिससे आप प्रॉपर अपने मसल्स को टारगेट करके फास्ट ग्रो कर पाओ नेचुरली। तो ये आप लोगों का तीनों वर्कआउट जो 4 आर्म्स को मैंने दिए 10 10 बार है, मगर ये तीनों को यार एक साथ प्लीज ऐड करके परफॉर्म करना ताकि आप अपने 4 आर्म्स को भी यार एक एक्सट्रीम रिजल्ट दे सको। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल पूरा वर्कआउट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्ट मी, मिलते हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।